गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग साइड लुक सीखने वाले, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने हमेशा पीछे कर्ल्स कैसे करने हैं, पीछे बन कैसे बनाना है, पोनीटेल कैसे बनाना है, ये सब सीखा, राइट। तो आज हम लोग एकदम साइड लुक करने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छा दिखता है। लहंगा साड़ी सब पे आप लोग कर सकते हो, बहुत ही ट्रेंडिंग और सुपर लुक सीखने वाले हैं आज, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ईयर टू ईयर सेक्शन करना है, जो सबसे बेसिक होता है, राइट। किसी भी हेयर स्टाइल में ईयर टू ईयर सेक्शन हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा सा ब्रॉड ले लो, मैं सोच रहा साइड पार्टीशन करेंगे हम लोग, और पूरा हेयर हम लोग यहाँ पे ऐसे साइड लुक करेंगे। मिडिल पार्टीशन नहीं लेंगे, साइड पार्टीशन लेके ही ईयर टू ईयर करते हैं। तो साइड पार्टीशन के लिए आईब्रोज के आर्च से ऊपर जाइए और यहाँ पे एक ये कीजिए। साइड पार्टीशन कर लिया है और इसमें अभी ईयर टू ईयर सेक्शंस ले लेंगे। यहाँ से एक ईयर टू ईयर सेक्शन, थोड़ा सा ब्रॉड लेना है आपको ईयर टू ईयर सेक्शन, ठीक है। बहुत ही पतला मत लीजिए, 3 इंच का ऐसे ले लीजिए, 3-3.5 इंच का आप लोग ले सकते हो। ईयर टू ईयर सेक्शन हो गया है गाइज। अभी हम लोग क्या करेंगे, पीछे थोड़ा सा एक पफ करते हैं, ताकि नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रहा है, राइट। थोड़ा सा पफ करेंगे तो थोड़ा हाइट लगेगा तो अच्छा लगेगा। तो अभी तक तो आप लोग सीख गए होंगे कि पफ कैसे बनाना है, मैंने सेपरेट वीडियोज भी डाले हैं। और मोस्टली हर हेयर स्टाइल में यही स्टेप्स होते हैं गाइज। एक तो ईयर टू ईयर सेक्शन करो, और सेकेंड है क्राउन एरिया में पफ बनाओ। तो ये एकदम बेसिक स्टेप्स है, हर एक हेयर स्टाइल में आप लोगों को यही करना। क्राउन सेक्शन कैसे लेते हैं हम लोग, बस ऐसे एक लेयर ले लीजिए यहाँ पे, ओके। क्राउन सेक्शन निकल रहा है। तो अभी ये जो बाल लिए गाइज, इसमें हम लोग थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग करेंगे। तो बैक कॉम्बिंग के लिए एक एक सेक्शंस लीजिए, पतले पतले सेक्शंस लेने हैं आपको। क्रिम्पिंग करोगे तो बाल बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, तो मैंने आज क्रिम्पिंग नहीं किया है, सिर्फ ईयर टू ईयर पे थोड़ा सा क्रिम्पिंग है, बाकी पीछे क्रिम्पिंग नहीं किया है, ओके। तो अगर आप चाहते हो तो आप लोग पूरे ये सेक्शन पे, जहाँ पे आप लोग पफ एंड ऑल बनाते हो ना, पूरे सेक्शन को क्रिम्प कर सकते हो। सिल्कीनेस चला जाता है बालों का, फिर अच्छे से मैनेज भी हो जाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही थोड़े सिल्की होते हैं बाल, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कर्ल्स करने वाले हैं आज। तो कर्ल्स में भी गाइस हमेशा ऐसे प्रॉब्लम होता है कि कर्ल्स टिकते नहीं हैं ऐसे, तो इन सब का प्रॉब्लम यही है कि बाल बहुत ज़्यादा सिल्की है और आपको उनको ड्राई करने की ज़रूरत है। अगर आपके बाल ड्राई हो जाएंगे तो फिर आप बहुत अच्छे से कर्ल्स कर सकते हो, कर्ल्स टिकेंगे भी। तो उसके लिए आपको अच्छे से ब्लो ड्राई करना है, क्रिम्प करना है बालों को, और हार्ड स्प्रे यूज़ करना है। हार्ड स्प्रे यूज़ करो और फिर कर्ल करो, पहले हार्ड स्प्रे फिर कर्ल। हर एक सेक्शन पे आपको थोड़ा सा स्प्रे करना है बैक कॉम्बिंग पे, ताकि बैक कॉम्बिंग होल्ड हो अच्छे से। और फिर ये क्लीन सेक्शन है, राइट। तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये बस ऐसे ही ऊपर हमको रखना है। तो ये बस थोड़ा सा हमको पफ ऐसे क्रिएट करना है बैक पे। तो यहाँ पे हमको पिन विन कुछ भी लगा के उसको सिक्योर नहीं करना है, क्योंकि हमको बस थोड़ा सा ऐसे लिफ्ट चाहिए था, दैट्स इट। अभी हम लोग हमारा जो कर्लिंग है ना, वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग एकदम वॉल्यूम कर्ल्स करने वाले हैं। तो आप लोग अगर चाहते हो, आपको साइड लुक नहीं करना है, ठीक है। तो अगर साइड लुक नहीं करना है आपको, तो आप लोगों को क्या करना होगा, ये यहाँ पे ही जैसे मैं कर्ल्स बता रही हूँ, ये कर्ल्स आप वॉल्यूम कर्ल आपको यहीं पे करना होगा सब, और फिर ऐसे ही छोड़ना होगा, ओके। बट साइड अगर करना है तो आप लोगों को कौन से साइड पे करना है, ये साइड करना है इनकेस। तो ये साइड पे सारे बालों को अभी लेके आना है, यहाँ के भी बाल यहाँ पे लेके आना है, और फिर आपको कर्ल करना है। तो कर्लिंग आपको नीचे से नेप लेवल से स्टार्ट करनी है, कर्ल करना। तो गाइस, कर्ल्स के लिए आपको क्या करना है, पहले तो हार्ड स्प्रे था कि उनका टाफ्ट का जो भी होगा आपके पास, उसको थोड़ा सा ऐसे ड्राई कर लीजिए। थोड़ा ड्राई हो जाएगा ना, उसके बाद आपको कर्ल करना है, ठीक है, वेट पे नहीं। तो मैंने जो टॉन्ग लिया है, कर्लर लिया है, वो है अराउंड 25 mm का। आप लोग 22 mm का भी आइकॉनिक का ले सकते हो। हमको आज थोड़े बड़े कर्ल्स चाहिए, एकदम ऐसे पतले टाइट कर्ल्स ऐसे नहीं चाहिए। और फिर कर्ल्स को आपको कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, देखो। एक तो आप ऐसे कर्ल करोगे, नॉर्मल कर्ल करो, होल्ड करके कर्ल को, ठीक है। तो ऐसे जगह आप करोगे तभी आपका कर्ल
एकदम लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो क्या है, सबसे पहले अगर बालों में वॉल्यूम नहीं है तो क्रिम्प करना है बालों को, ब्लो ड्राई तो करना ही है, वॉल्यूम नहीं है तो क्रिम्प कर लो बालों को पूरे। फिर आपको हार्ड स्प्रे स्प्रे करना है बालों पे, और फिर उसके बाद आपको कर्लर लेना है, कर्ल करना है, और फिर उसको ऐसे क्लिप से होल्ड करके रखना है। जब आप ये 3-4 स्टेप्स करोगे तो हर किसी के कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे तो ऐसे ही पूरे सेक्शंस को हमको अभी कर्ल करना है। तो ये अभी इतना हो गया है, ये पूरे हम साइड में ही इसको सेट करते हैं। देखो ऐसे फिंगर से आप लोग इसको ओपन कर सकते हो, फिंगर से ओपन करके ऐसे साइड में रख दो इसको, क्योंकि हम लोग वैसे भी पूरा एक साइड में ही लाने वाले हैं, राइट? अभी इतने कर्ल्स करके हो गए हैं गाइस, ये इतने हो गए अभी कर्ल्स करके, ठीक है? हमको बस थोड़ा सा टेक्सचर ही चाहिए, तो थोड़े से ऐसे लूज ही चाहिए कर्ल्स, ठीक है? बहुत ऐसे टाइट कर्ल्स लुक नहीं चाहिए। ये जो साइड के बाल थे ना ईयर टू ईयर सेक्शन में साइड के बाल, उसको हम लोग थोड़ा कर्ल कर लेंगे वन साइड लुक में। तो आपको अच्छे से इसको कॉम्ब करना है और फिर इसको एक साइड में ऐसे लेके आना है। बट उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए, तो इसलिए इसके एक एक सेक्शंस लेने हैं आपको, और एक एक सेक्शंस को लेके आपको बैक कॉम्बिंग करके फिर ऐसे पीछे लेके आइए, ठीक है? तभी इसको कॉल भी कर लो। पूरा अभी ऐसे कर्ल करके रखा है, इसको अभी खोल देते हैं। तो ये अभी पूरे कर्ल्स हो गए हैं, यहाँ पे भी बस वॉल्यूम देते हैं हम लोग कर्ल्स से ये हेयर स्टाइल में, ठीक है? और अभी एक लास्ट सेक्शन है गाइस, तो अभी इसको भी हम लोग लेंगे। साइड का भी अभी हो गया है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही फिंगर से ही थोड़े से खोलने हैं आपको कर्ल्स को, और फिर थोड़ा सा ईयर ऐसे, थोड़ा सा ऐसे ईयर कवर कर लो इसको, थोड़ा कॉम करते हैं अच्छे से। अभी ये कर्ल आएगा इसके ऊपर, ये इतने बच्चे हैं, यहाँ पे भी हमको कर्ल्स करने हैं, तो यहाँ पे आएगा और ये पूरा ऐसे आगे चला जाएगा अभी। तो ये कर्ल्स यहाँ पे आने वाले हैं ऊपर इसके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, चाहिए तो थोड़ा पुलिंग कर सकते हो अगर आपको और टेक्सचर ऐड करना है तो, पर मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूँ। अभी देखो ये वाले जो कर्ल्स है इसके ऊपर ऐसे आने वाले हैं कर्ल्स, तो बॉब पिन्स आप लोग लगा सकते हो वहाँ पे नीचे, ताकि एक साइड में ही बाल रुके सब। और अभी हम लोग ये वाले बालों को कर्ल कर लेंगे। तो आई होप ये अभी क्लियर हो रहा है आप लोगों को कैसे करना है, क्या है सब। ये लीजिए बालों को और बस कर्ल करते जाइए। देखो ऐसे, सेट कर लीजिए यहाँ पे, इसको ऐसे फिंगर से ही खोल के सेट करना है सब बालों को यहाँ पे। और अभी हम लोग सामने का करते हैं, तो सामने हमको थोड़ा वॉल्यूम चाहिए, ठीक है? तो ये देखो ये सब कर्ल्स किए हुए बाल है, तो कर्ल किए हुए बालों को आप लोग पीछे रख सकते हो, और यहाँ पे आपको एक बॉक्स सेक्शन लेना है, बॉक्स सेक्शन, हम लोग बाद में कर्ल करेंगे, पहले हम लोग जो इतने बाल बचे हैं इसको कर्ल कर लेंगे। तो ऐसे लूज कर्ल्स हो गए हैं यहाँ पे, बट अगर आप लोगों को टाइट कर्ल्स चाहिए तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को आपका कर्लर चेंज करना होगा, क्योंकि आप जितना मोटा कर्लर लोगे उतने ही लूज बनेंगे आपके कर्ल्स, जितना आप लोग थिक
मतलब ऐसे पतला कर्लर लोगे उतने टाइट कर्ल्स होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये वाले जो बाल हैं मैं आप लोगों को टाइट कर्ल्स करके दिखाती हूँ, ताकि सामने थोड़ा सा कर्लिंग का लुक थोड़ा ज़्यादा आएगा तो अच्छा लगेगा। ओके, पीछे चलेगा तो आपको वापस ऐसे ही कर्ल करते जाना है। टाइट कर्ल्स चाहिए आपको तो पतला लीजिए। अभी हम लोग यहाँ के सब थोड़े से टाइट कर्ल्स करेंगे। देखो ये कर्ल्स देखो और ये वाले कर्ल्स देखो, तो एकदम टाइट और अच्छा लग रहा है, राइट। तो ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, अभी मैं ये ऊपर के भी थोड़े से ये कर्लर से करती हूँ, ताकि थोड़ा लुक थोड़ा अच्छा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लूज लग रहे हैं मुझे। जो लिया था उससे थोड़े से कर्ल कर लिए, अच्छा दिख रहा है थोड़ा भी, थोड़ा सा शाइन स्प्रे, थोड़ा सा क्यून, ये जी कॉम के साथ कॉम कर लो ऊपर ऊपर का, या तो फिर नॉर्मल फिंगर्स ले लो और फिंगर से इसको थोड़ा सा खोल दो। जी कॉम के साथ करते हो ना तो तुरंत ऐसे लाइंस के जैसे टेक्सचर एक ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ लाइंस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बस स्प्रे करना है और थोड़ा लाइंस के जैसे ऐसे आ जाएगा, देखो ऐसे। तो पहले ये बॉक्स सेक्शन पे जो है ना, इस पर काम करना है। इस पर आपको क्या करना है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर पूरा लुक आपका होने वाला है क्रिएट, ठीक है। ये ऐसे आने वाला है इसके ऊपर, तो ये एकदम ध्यान से सीखना कैसे करना है। तो क्या करना है आपको, ये बॉक्स सेक्शन के बाल आपको पीछे की तरफ कर्ल करने हैं, सारे बालों को पीछे की तरफ, आगे की तरफ कर्लर को नहीं रखना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको टर्न कर लेती हूँ और पीछे खड़े रहिए और बॉक्स सेक्शन का एक 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 सेक्शन लीजिए, पीछे की तरफ कर्ल कीजिए। बड़े बड़े ही सेक्शंस लेने हैं, ठीक है, थीके? और पूरा ये मोटे सेक्शन को ही आपको कर्ल करना है, पतले सेक्शंस नहीं लेने हैं। तो ये जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ एकदम ध्यान देना, पतले सेक्शंस नहीं लेने हैं, मोटे सेक्शंस लेने हैं, और मोटे मतलब ब्रॉड सेक्शंस लेने हैं। कर्ल करना है पूरा, 40-45 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए, ऐसे निकालिए, देखो ये कर्ल हो गया है ना, इसको ऐसे ही रखना है आपको। चाहते हो तो पिन से भी होल्ड करके रख सकते हो इसको। और फिर वापस अभी मैं क्या कर रही हूँ, सेकेंड सेक्शन, इसके बाद वापस देखो ऐसा, इतना ब्रॉड सेक्शन जो है बॉक्स सेक्शन का पूरा लेना है, पीछे रखो और कर्ल। देखिए पूरा अभी कर्ल हो गया है, यहाँ पे सामने से देखा। अभी कैसे खोलोगे आप लोग, ये देखो ये बॉक्स सेक्शन का ये जो इतने बाल थे ना, इसको अभी पूरा हमने कर्ल कर लिया है। अभी आपको इसको कैसे खोलना है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरा अभी ये कर्ल हो गया है, इसको अभी खोलोगे कैसे, आपको लेना है आपका शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे इसको अच्छे से थोड़ा सा स्प्रे करो, ऐसे थोड़ा फिंगर से ही ऐसे ये करो, कोमिंग करेंगे और कोम लो, अच्छे से कोम कर लो, ऐसे यहाँ पे आपको सेट करना है। देखो तो ऐसे एक वॉल्यूम क्रिएट होगा सामने के बालों पे, टेक्सचर क्रिएट होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि कैसे ये टेक्सचर लाना है आपको, कैसे क्या करना है। देखो अपने आप ही बहुत प्यारे ऐसे लाइंस भी आ गए हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस बॉक्स सेक्शन निकालना है, उसको कर्ल करना है अच्छे से। जितना अच्छे से कर्ल करोगे उतना अच्छा ये वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो मतलब कलर चेंज करना होगा आपको, ये ऐसे आएगा अभी, तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। और फिर ये पूरे बाल यहाँ पे सेट होंगे ऐसे, ये ऐसे सामने से सेट होंगे, से ही सेट करते जाइए। क्यून लेना है, क्यून से इसको थोड़ा सा जी कॉम से सेट करो और थोड़ा सा क्यून यहाँ पे इसको सेट करना है, और फिर हम लोग रोजेस से इसको सेट। तो अभी चार फ्लावर्स का यहाँ पे गुच्छा बनाया है, इसको आपको बस बहुत दिन से होल्ड करना, इससे भी ऐसे ये कर सकते हो कि यूपिन से नीचे बैक कोमिंग कर लो थोड़ा, ऊपर से यूपिन से इसको सेट कर दो। तो गाइज ये रहा फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लावर्स लगाने का कितना अच्छा दिख रहा है। फ्लावर्स के लिए सिर्फ आपको स्टिक बड़ा रखना है, ताकि आप उसको फिक्स करो अच्छे से, फिर यूपिन से ऊपर से सेट करना है। साइड से भी बहुत प्यारा दिख रहा है ऐसे रोजेस एंड ऑल, और सामने से भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे
सर्वो को आपको ये लुक अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, बाय, टेक केयर।